हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित चतुर्वेदी और आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, क्या आपके शरीर में कहीं पर चोट लग गया है और उससे बन गया है खून का थक्का जम गया है, या फिर वहां पे सूजन बन गया है, या फिर वहां पे बन गया है गांठ? तो अगर चोट लगने के कारण ये सब हुआ है और ठीक नहीं हो रहा है, या फिर किसी का स्किन जल जाता है तो जलने के कारण अंदर हमारा जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, और वो जमा हुआ ब्लड हमारा ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन होता है और वो राहत नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर से दर्द होता है, ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, ठीक नहीं हो रहा है, कौन सा क्रीम लगाएं, तो उसके बारे में आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक होता है थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट, थ्रोम्बोफोब क्रीम होता है जो आपके स्क्रीन पर यहां पर शो हो रहा है। तो इस थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट को आप लोग लगाएंगे स्क्रीन के ऊपर, अपने स्किन के ऊपर इसको लगाएंगे। और लगाने के तरीका क्या होता है, जैसे आप लोग को ज्यादा जैसे जल गया है या फिर ज्यादा जगह दूर पर ब्लड जमा हुआ है, तो अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसका टाइम 2 से 3 बार भी एक दिन में लगा सकते हैं आप लोग। अगर कम है, गांठ बना है तो कम गांठ बना है तो 1 से 2 बार लगा सकते हैं। जैसे गांठ बन जाता है, शरीर में हमारा सूजन हो गया है कहीं पे, या फिर ब्लड का थक्का जम गया है, तो ये सब के लिए दोस्तों 1 से 2 बार अगर दिन में लगाएंगे तो धीरे धीरे करके यही डोज आप लोग लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप लोग का ठीक हो जाएगा। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, जैसे आप लोग जिस जगह पर चोट लगा है, जिस जगह पर ब्लड जमा हुआ है, जिस जगह पर हमारा गांठ है, उसको थोड़ा सा पानी से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद उसे हम लोग अच्छे तरीके से सूखे कपड़े से उसको सुखाएंगे। जब वो हमारा उस जगह पर एकदम अच्छे तरीके से साफ और सूख जाएगा तब वहाँ पर उस क्रीम को लगाएंगे। और एक बात, उस क्रीम को लगाने से पहले, थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट थ्रोम्बोफोब क्रीम को लगाने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरीके से साफ से धो लेना है, फिर लगाने के बाद भी अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसको मान लीजिए अगर आपके आंखों में चला जाता है, फिर नाक में चला जाता है, मुंह में चल जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, तो आप लोग यहाँ से बचिएगा। और एक बात, अगर आपका स्किन कहीं पर कट गया है तो कटे हुए स्थान पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जलन होगा, इसका साइड इफेक्ट होता है। तो कटे हुए स्थान पर अगर मान लीजिए गलती से चला जाता है तो उसको अच्छे तरीके से आप लोग पानी से धुल लीजिए। आँख में चला गया है तो जल्दी से आप लोग उसको साफ से धुल लीजिए। माउथ में चला गया है तो उसको भी साफ कर लीजिए। तो अच्छे तरीके से यहाँ आप लोग को एक काम है कि इसका बचाव भी करना है। मैं आप लोग को केवल वही जगह बता रहा हूं लगाने के लिए, स्किन के ऊपर लगाना है जैसे मान लीजिए सूजन है, या फिर गांठ बना हुआ है, या फिर ब्लड जम गया है, तो ये सब की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसकी जगह पर स्किन के ऊपर लगाना है, कटे हुए स्थान पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है और अपने माउथ से दूर रखना है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि यदि आप लोग मान लीजिए गलती से कहीं पर लग गया, जैसे चला गया है कटे हुए स्थान पर आप लोग लगा लिए, तो वहाँ पर एकदम लालिमा बन जाता है, एकदम रेड रेड होकर के जलन हो जाता है, और वो तो जलन धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाता है, उसका ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि वो ठीक होता नहीं है, किसी किसी लोग को जल्दी ठीक भी नहीं होता है, गलती से लगा देते हैं, तो अगर नहीं ठीक होता है तो अपने डॉक्टर से तुरंत आप लोग उसको परामर्श लीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। अगर नहीं ठीक होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, उसके लिए मैं आगे बता दूंगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये क्रीम आप लोग को केवल वहां पे लगाना है जैसे कहीं पर चोट लग गया है और कटा नहीं है, केवल वहां पे सूजन हो गया है या फिर वहां पर गांठ बन गया है, कटा नहीं है दोस्तों, गांठ बन गया है, सूजन हो गया है, या फिर ब्लड जम गया है, या फिर बहुत सारे लोग का स्किन जल जाता है किसी वजह से, तो जल जाता है तो वहां पे अंदर से जलन होता है, ब्लड जम जाता है, तो उस सब के लिए आप लोग स्किन के ऊपर आप लोग आराम से लगा सकते हैं इस क्रीम को। तो इस क्रीम का इस्तेमाल करिए आप लोग, अगर ये सब आप लोग के अंदर कोई दिक्कत है, सूजन है, या फिर ब्लड जमा हुआ है, ठीक नहीं होता है, ये जान रहे हैं दोस्तों क्रीम ये काम क्या करता है, ये फाइब्रिनोलाइटिक का काम करता है। फाइब्रिनोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जमे हुए खून को तोड़ करके
उसको क्या करे, फ्लो कराए अंदर, उसको जमे हुए खून को हटाए वहां से, और हमारा नई नई ब्लड वहां पे जैसे सर्कुलेट करते हैं वैसे सर्कुलेट करना स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पे जो सूजन है या फिर जमा हुआ खून है या फिर वहां पे जो गांठ बन जाता है वो गांठ धीरे 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 करके वहां से ठीक हो जाता है। तो ये क्रीम बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी इसके बारे में जानकारी पा जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।